Hello, welcome back to my YouTube channel, Physiotherapy Rehabilitation Academy Pakistan. Today we are going to discuss a new technique which we call assisted cuff technique. So basically assisted cuff technique jo hai, there are different school of thoughts. We first discuss karte hain ki hum kaun si conditions mein ye technique karwa sakte hain. Wo patients jinko chest complications ho ya chronic pulmonary disease ho या फिर जो है नमूनिया हो और वो पेशेंट्स जिनमें सीक्रेशंस जनरेट हो रहे हो कंटिन्यूसली तो वी कैन यूज़ दिस टेक्निक टू रिमूव आउट सीक्रेशंस वेरी इफेक्टिवली. तो इसमें हम क्या करते हैं, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स के जो हम जो है इसको कर सकते हैं. पेशेंट जो है खुद से भी कर सकता है और हम विद द हेल्प ऑफ असिस्टेड डिवाइस उसे भी हम कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो है हम पेशेंट्स को समझाएंगे कि इसको करना कैसे है. हम जो है एक एम्बो बैग लेंगे. दिस एम्बो बैग इज़ यूज टू क्रिएट इंट्राथोरेसिक प्रेशर. हम जो है एयर बोलस डेवलप करते रहेंगे. हम पेशेंट को समझाएंगे कि किस तरीके से करना है. सबसे पहले ये जो पोर्शन है एम्बो बैग का हम टी ट्यूब इसमें यूज़ करेंगे और ये पोर्शन एक पोर्शन को हम क्लोज कर देंगे और एक पोर्शन हम जो है पेशेंट के माउथ में देंगे. फिर हम पेशेंट को कमांड करेंगे भाई हम जो है जैसे इसको प्रेस करेंगे 3 टाइम्स कंटिन्यूसली एयर प्रेशर जनरेट होगा जो कि हमें डायरेक्टली एक्सपायरेट नहीं करना. उसको फिर हमें होल्ड करना है. पेशेंट को हमें समझाना है प्रोसेस. जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे एयर बोलस जनरेट होंगे. फॉर अबाउट 250 to 300 तक हमें प्रेशर जनरेट करना है एयर का. जैसे ही वो जनरेट होगा इंट्राथोरेसिक प्रेशर रेज होगा, वेंटिलेशन लंग्स की इंप्रूव होगी, चेस्ट एक्सपेंशन होगी और फिर हम पेशेंट को बोलेंगे कि भाई आप फोर्सफुली एक्सपायरेट आउट करो, एयर को एक्सपायरेट करो. सबसे पहले हम जो है एम्बो पैक चेक करेंगे कि एयर ठीक से एयर का प्रेशर जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा. तो यहाँ पे प्रॉपरली एयर का प्रेशर जनरेट हो रहा है. फिर जो है हम ये पेशेंट को हम सिटिंग में भी करा सकते हैं और सुपाइन लाइन में भी हम पेशेंट को करवा सकते हैं जो कि एक्टिवली पेशेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इस टेक्निक के लिए हम उन पेशेंट्स में ये टेक्निक यूज़ करेंगे. तो फिर हम जो है पेशेंट को अलाउ करेंगे ये अपने माउथ में इंटर करना है. By this way, we can have this technique until and unless secretions are removed. ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक के secretions remove ना हो जाए. हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें air का pressure generate करना है. For about 3 to 4 times हम इसको push करेंगे. जैसे ही ventilation intrathoracic pressure raised हो जाएगा फिर हम ये जो है remove करेंगे और patient को allow करेंगे कि आप cuff करें. वो जैसे ही forcefully cuff करेगा तो फिर जो उसकी secretion होगी उस cuff reflex के थ्रू वो बाहर आएगी. तो इससे क्या होगा कि पेशेंट की जो सीक्रेशन है वो हम इजीली रिमूव कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है असिस्टेड कफ टेक्निक. इसके देर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ना. हम जो है इसमें जो है दूसरी टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं. मैन्युअली पेशेंट जो है खुद से कैसे कर सकता है, खुद से ऐसे कर सकता है कि पेशेंट जो है इंस्पायरेट करे, फोर्सफुल डीप ब्रीथ करे, बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथ करके होल्ड करे, फिर जो है विद हेल्प ऑफ कफ और उसको पेशेंट को थोरेसिक प्रेशर जनरेट थोरेसिक प्रेशर देना है मैन्युअली. ठीक है, बटरफ्लाई शेप जो है हम पेशेंट को असिस्ट भी कर सकते हैं और पेशेंट खुद से भी प्रेशर जनरेट कर सकता है. वो इंस्पायरेट करेगा एयर, जैसे ही इंट्राथोरेसिक प्रेशर रेज होगा फिर वो अपनी बेली को कंप्रेस करेगा अबाउट दी अम्ब्लाइकस. तो अम्ब्लाइकस से और डायफ्राम के बीच में वो अपनी बेली को प्रेस करेगा. जैसे ही एयर इन्फ्लेट होगी एब्डोमेन में वैसे वैसे वो कंप्रेस करता जाएगा. कैसे करते हैं दैट्स हाउ दिस टेक्निक इज बीइंग वर्किंग.